बच्चों जय हिंद। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक अध्ययन के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के चर्चा का विषय है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन के चरण। बच्चों क्या इस पिक्चर को आप पहचानते हैं, ये किनकी फोटो है? यह छवि है विलियम वॉबेल साहब की, जिन्होंने सर्वप्रथम 1833 में साइंस शब्द का इस्तेमाल किया, हु क्वाइंड दी टर्मोलॉजी साइंस इन 1833, और इसका प्रकाशन 1834 में हुआ। बच्चों साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के साथ विशेषता, परंतु अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ है सामूहिक ज्ञान। द टर्म साइंस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज विद एक्सपर्टीज, बट इन इंग्लिश इट मीन्स कलेक्टिव नॉलेज। बच्चों भूगोल विषय को अर्थात ज्योग्राफी को विज्ञान का जनक भी माना जाता है, अर्थात आज जिस विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसकी उत्पत्ति भूगोल विषय से मानी जाती है, इसलिए भूगोल विषय को हम मदर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ज्योग्राफी इज नोन एज मदर ऑफ साइंस। बच्चों क्या आप इनको पहचानते हैं, ये किनकी फोटो है? आइए देखें, ये है महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की फोटो, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस भी मानते हैं। इसके पहले वैज्ञानिकों को प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था, प्रायर टू साइंटिस्ट वर कॉल्ड एज नेचुरल फिलोसोफर, उनको हम वैज्ञानिक की संज्ञा नहीं देते थे। अब हम आज चर्चा करेंगे वैज्ञानिक अध्ययन के चरण के बारे में, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, लोग देखते हैं एक छात्र कल होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लाइट ऑन है, पंखा चल रहा है और पूर्ण सुख सुविधा के से लैस होकर यह छात्र अध्ययन कर रहा है, परंतु अचानक क्या होगा, ओहो लाइट चली गई, फैन स्विच ऑफ हो गया, लाइट नहीं है, तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होगी इस छात्र के सामने? देखिए समस्या, इस छात्र के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई, प्रॉब्लम हो गई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस, वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम चरण है समस्या। समस्या, अब देखें यह छात्र इस समस्या के समाधान के लिए क्या सोचता है, क्या परिकल्पना करता है। देखें छात्र समस्या से ग्रस्त है और तनावग्रस्त है, छात्र के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं। क्या क्या विचार आ रहे हैं, चलो मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेते हैं, परंतु गर्मी का समय है, हवा की आवश्यकता है और हवा में मोमबत्ती बुझ जाएगी। अगला विचार क्या आया, चलो टॉर्च जला के पढ़ लेते हैं, यह हमें प्रकाश भी देगा और हवा की वजह से ये बुझेगा भी नहीं, परंतु इसमें एक और समस्या है, बैटरी का खर्च, अतः यह खर्चीला साधन है, यह भी उपाय कारगर नहीं है। फिर क्या सोचा छात्र ने, लालटेन, अगर लालटेन जला लें तो यह कम खर्च का भी वस्तु है और यह हवा में बुझेगा भी नहीं। तो ये जो तीन सोच इसके मन में उत्पन्न हुई, ये क्या है, समस्या के समाधान के लिए सोची गई परिकल्पना, हाइपोथेसिस। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन का द्वितीय चरण है परिकल्पना। देखिए बच्चों अब इस परिकल्पना से आगे यह छात्र क्या करता है, इसने निर्णय लिया कि मोमबत्ती का जलना और टॉर्च का जलना ये दोनों कारगर उपाय नहीं है, तो लालटेन ही सबसे अधिक कारगर उपाय है। अब लालटेन जलाने की बात की जाए, लालटेन जलेगा कैसे, सबसे पहले इसने लालटेन में क्या भर दिया, दूध भर दिया, क्योंकि यह समस्या इससे पहले इसके समक्ष उत्पन्न नहीं हुई थी, तो दूध भर दिया तो क्या लालटेन जली नहीं, लालटेन तो बुझी है। फिर इसने क्या किया, लालटेन में क्या भर दिया, पानी भर दिया, क्या लालटेन जली नहीं, लालटेन अभी भी बुझी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ।
और फिर उसने क्या किया, लालटेन में केरोसिन ऑयल भर दिया, मिट्टी का तेल भर दिया, और इसके भरते ही लालटेन क्या हो गई, जल गई, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन समस्या के समाधान करने के लिए इसने क्या किया, इसने किया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, और इसको अपना लक्ष्य मिल गया, एक्सपेरिमेंट, थर्ड स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी, विज्ञान के अध्ययन का तीसरा चरण, तृतीय चरण, एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब सफलता प्राप्त हुई तो लालटेन जल गई और छात्र देखे फिर उसी प्रकार से खुशहाल मन से अपना अध्ययन करने लगा। लेकिन इस प्रयोग के फलस्वरूप उसे मिला क्या, उसने क्या जाना, उसने ये जाना पानी भरने से लालटेन जलती है नहीं जलती, दूध भरने से लालटेन जलती है नहीं जलती, और केरोसिन ऑयल डालने से लालटेन जल जाती है। तो बच्चों वो कितनी बार सफल हुआ, नहीं एक बार नहीं, यह छात्र तीन बार सफल हुआ। दो बार इसने यह जाना कि दूध और पानी डालने से लालटेन नहीं जलती, और तीसरी बार इसने जाना कि केरोसिन ऑयल डालने से लालटेन जलती है। तो तीनों बार इसे किसी न किसी प्रकार के तथ्य का ज्ञान हुआ, तो तीनों बार यह सफल माना जाएगा। परंतु इसके वर्तमान समस्या का समाधान तीसरे प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, लालटेन केरोसिन ऑयल भरने से जल गई। बच्चों देखें ये इसने क्या किया, ये देखा, अवलोकन किया कि किस प्रकार से लालटेन जलती है, किस प्रकार से लालटेन नहीं जलती है, समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से नहीं सकता। तो ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन का चौथा चरण, फोर्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बच्चों जब एक ही प्रयोग बार बार किया जाए और निष्कर्ष हमें समान प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं परिणाम, निष्कर्ष। देखें इस प्रयोग के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ, पानी जब बार बार लालटेन में डाला गया तो भी लालटेन नहीं जली, अर्थात पानी से लालटेन नहीं जलती। जब बार बार दूध भरा गया तो एक भी बार लालटेन नहीं जला, दूध से लालटेन नहीं जलती। और बच्चों बार बार इस छात्र ने देखा कि जितनी बार केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल लालटेन में भरी जाती है उतनी बार लालटेन जल जाती है। बार बार इसने उसी प्रयोग को दोहराया और समान निष्कर्ष प्राप्त किया, समान रिजल्ट प्राप्त किया, और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मिट्टी तेल जितनी बार भी लैंप में, लालटेन में भरी जाएगी, लालटेन जल जाएगा। तो यह क्या मिला उसे, निष्कर्ष। पांचवा चरण, फिफ्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इस प्रकार बच्चों विज्ञान के अध्ययन के पांच चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं देखें, समस्या, प्रॉब्लम, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और निष्कर्ष, परिणाम, रिजल्ट। बच्चों ये थे विज्ञान के पांच चरण। जय हिंद, जय भारत।